गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो अभी सेल्फ प्रैक्टिस 2D, इसमें जो है क्वेश्चन 2 क्या दिया है, सिंप्लीफाई इज एक्सप्रेशंस। ये आपने लिख लेना क्या यहाँ पे, सिंप्लीफाई इज एक्सप्रेशंस। इसमें ए नंबर का दिया है 27 माइनस 11 प्लस 4, तो इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो वही जो अपना रूल है ना, ऑर्डर जो रहता है ना, पहले ब्रैकेट, फिर ऑप, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, तो इसकी वजह से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखना, हमेशा काज चेक करना इधर से, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, मतलब इधर से इधर ऐसा चेक करना। तो देखना पहले इसमें ब्रैकेट है क्या, नहीं है ब्रैकेट, मतलब यहाँ पे पैरेंथेसिस। ठीक है, ऑफ है क्या, नहीं है। डिवीजन है क्या, नहीं है। मल्टीप्लिकेशन नहीं है। एडिशन है, देखो ये एडिशन है ना, तो हम पहले एडिशन सॉल्व करेंगे। तो एडिशन हम सॉल्व तो करेंगे, लेकिन कैसा कैसा करेंगे सॉल्व, 27 का और 4 का, दोनों प्लस में है ना, यहाँ पे ये प्लस में है ना, पॉजिटिव है 27 और ये 4 है, तो 27 प्लस 4। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। उसके बाद -11 एज इट इज़। ठीक है, इज इक्वल टू 27 प्लस 4 कितना होता, 27 प्लस 4 31, -11 तो कितना होगा इसका आंसर, 31 माइनस 11 कितना होता है, 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 1 2, तो इसका आंसर कितना होगा 20। अभी देखना है बी नंबर का, 28 माइनस 8 ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइड बाय 4। तो देखते इधर से थे लेफ्ट से राइट तक, तो पहले देखो ब्रैकेट ही दिया है अपने को, तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 28 माइनस 8 कितना होता, 20 डिवाइड बाय 4, इसका आंसर 20 आएगा ना। अब बस एक ही है ऑपरेशन, तो डिवाइड करो, 20 डिवाइड बाय 4 कितना होता, तो वो कितना होगा, तो 20 डिवाइड बाय 4, 4 5 20, तो इसका आंसर कितना आएगा, 5 आएगा, कितना आएगा 5, बी का आंसर। ठीक है, 5। अभी जो है सी नंबर का, सी में देखो 136 माइनस 100 डिवाइड बाय 5। तो अगेन चलते इधर से लेफ्ट साइड से चलते, तो देखो पहले हमें दिया है ब्रैकेट है क्या इसमें, नहीं है। फिर ऑफ है क्या, नहीं है। फिर डिवीजन है ना डिवीजन, तो ये डिवीजन, तो 100 को अगर हमने 5 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, 20 आएगा ना, 20, तो यहाँ पर लिखेंगे 20। उसके बाद ये माइनस जैसा है वैसा, और ये 136, ओके इज इक्वल टू। अब देखो माइनस ही बचा है, तो माइनस करो, फिर कितना आएगा, 6 माइनस 0 इज 6 एंड 3 माइनस 2 इज 1, तो कितना आ गया, 116, ये होगा सी का आंसर। अभी डी नंबर में देखो, 80 माइनस 35 मल्टीप्लाई 2, तो ब्रैकेट है क्या इसमें, नहीं है। ऑफ है क्या, नहीं है। डिवीजन है क्या, नहीं है। मल्टीप्लिकेशन क्या है, देखो मल्टीप्लिकेशन, तो हम पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 35 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है, 70 होता है, ये माइनस जैसा है वैसा, और यहाँ पे 80। ठीक है, अब देखो 80 माइनस 70 कितना होता है, 10, तो मीन्स यहाँ पे डी का आंसर कितना हो जाएगा, 10। तो अभी ई नंबर का जो है, इसमें वापस वही चेक करेंगे, लेफ्ट से राइट तक देखेंगे, पहले ब्रैकेट है क्या, नहीं है। ऑफ है क्या, नहीं है। डिवीजन है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका डिवीजन सॉल्व करेंगे, तो इसका डिवीजन कितना होता, 15 को 3 से डिवाइड किया तो 5 होता, 3 5 15, तो 5 ले लिया, ये प्लस एज इट इज़ ये 20, और ये -8 एज इट इज़। ठीक है, इसका अपन ने आंसर लिखा यहाँ पे 5। उसके बाद इज इक्वल टू, अब क्या है देखो, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, डिवीजन भी नहीं है, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है, एडिशन है, तो हम करेंगे एडिशन सॉल्व, तो इसका एडिशन कितना होगा, फिर 20 प्लस 5 का एडिशन 25 होगा, -8 एज इट इज़, ये -8 जो है ना एज इट इज़ लिया। अब बस एक ही बचा है माइनस, तो इसको माइनस करेंगे, 25 माइनस 8 कितना होता, कितना होता, 17। ठीक है, तो ई का आंसर कितना आएगा, 17।